बीसीसीएल के पूर्व अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म केस में धनबाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ये फैसला आरोपित कोयला व्यवसायी बादल गौतम के पक्ष में गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने कोयला व्यापारी बादल गौतम को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और सुबोध कुमार ने पैरवी की। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक एवं सूचक की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने किया। इस मामले में बादल पिछले 1.5 साल से धनबाद जेल में बंद है। यह धनबाद का बहुचर्चित मामला रहा है। बीसीसीएल के पूर्व अधिकारी की बेटी ने बैंक मोड़ थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी। धनबाद के बैंक मोड़ थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक बादल गौतम ने अपने दोस्त की प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया। कई शहरों में बंधक बनाकर महिला के साथ जोर जबरदस्ती की गई। दुष्कर्म करने के साथ बादल ने महिला के लाखों रुपए के गहने भी छीन लिए, लाखों रुपए की नकदी भी लिए। महिला किसी तरह से बादल के चंगुल से मुक्त होकर प्रेमी संकेत कृष्णानी के साथ बैंक मोड़ थाने में अगवा कर दुष्कर्म करने की प्राथमिकी 21 सितंबर 2020 को दर्ज कराई थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने बादल गौतम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। बादल बीते 1.5 वर्षों से जेल में बंद है। बादल का कई महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो और फोटो। जेल जाने से पहले बादल गौतम का झारखंड की राजनीतिक हस्तियों और पुलिस प्रशासन के बीच गहरी पैठ थी। वह नेताओं और पुलिस अधिकारियों को खास तरह से साधता था। वो चर्चा में तब आया जब बीसीसीएल के सेवानिवृत्त निदेशक की पुत्री ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद उसका कई लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक लड़की दिल्ली की बताई गई थी, वहीं धनबाद की भी एक प्रसिद्ध लड़की की बात कही गई थी। माननीय न्यायालय ने जो है आज आरोपी को रिहा कर दिया इस मामले में, जो हम लोग के लिए काफी आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय था और इस निर्णय से हम लोग पूरी तरह से असंतुष्ट है। और क्योंकि न्यायालय के आदेश की कॉपी हम लोगों को अभी उपलब्ध नहीं हो पाई, कॉपी निकालने के उपरांत स्वाभाविक है और संभवतः हम लोग इसको माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। तो एक क्या कह करके इसमें जो है कि आज न्यायालय जो है किसी को कारण नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आरोपी को रिहा किया जाता है, कारणों का पता उन्होंने क्या जुडिशल माइंड अप्लाई किया, किन बातों को जो है उन्होंने जो है पाया कि ये जो है संदेह उत्पन्न करता है, और जिसके कारण उन्होंने आरोपी को रिहा कर दिया। उनकी जजमेंट की कॉपी निकालने के बाद उसका अवलोकन के उपरांत ही हम लोग पहुँच इस मामले में पहुँच पाएंगे क्या हुआ। मगर चूँकि इस मामले में देखिए जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि सारे लोग जानते हैं कि आरोपी का पहुँच, आरोपी का उठना बैठना स्टेट के कई आला पुलिस अधिकारियों अधिकारियों के साथ रहा है, और इस केस की पीड़िता इनिशियल स्टेज से जो ही एक थाने से दूसरे थाना दौड़ रही थी मुकदमा दर्ज कराने के लिए, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। स्टेट के सीनियर पुलिस ऑफिसर के इंटरवेंशन के बाद बड़ी मुश्किल से उनका मुकदमा दर्ज हुआ, और पुलिस ने 376 जैसे संगीन और सीनियर ऑफेंस का अनुसंधान का भार एक प्रशिक्षु दरोगा को दिया। ये अपने आप में बताता है कि पुलिस कितने सेंसिटिव थी इस मामले का फेली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पूरा मामला जो है आरोपी को बचाने के लिए पुलिस ने जो है गलत तथ्यों को अनुसंधान के लिए कभी बाहर नहीं गई, घटना स्थल तक पर अनुसंधानकर्ता महोदय नहीं गए। ये सारे चीज़ें जो किया गया केवल का बैठ के किया गया और एक ही मंशा से किया गया कि आरोपी को लाभ पहुँचाया जा सके, और जिसमें आज वो लोग सफल हुए।